अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा, तो विंटर आ गया है तो उसके लिए हमें केयर भी ज़रूरी करनी है। तो अभी मैं करने लगी थी अपने हैंड, अपनी बॉडी के लिए, अपने हाथों पाँव के लिए जो है क्रीम बनाने लगी थी, जो कि ये रेमेडी तो वैसे मरियम परवेज़ की है, तो उनकी हर रेमेडी में अपनी डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ। उनकी नाइट क्रीम है, उनकी हैंड एंड फीट क्रीम है, उनकी ऑल जो रेमेडी है वो उनको मैं ट्राई करती हूँ और माशाल्लाह से सब मेरी स्किन पे सूट करती हैं और बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी मैं फिर बनाने लगी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो ये विंटर के लिए है, बहुत ज़बरदस्त है, इससे आपके हैंड बहुत ज़बरदस्त यानी कि शाइन भी करते हैं, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है और डल नहीं होती। जो आपकी स्किन के ऊपर डलनेस होती है, ड्राइनेस होती है, जो लाइन्स पड़ जाती हैं स्किन के ऊपर, वो सब ख़त्म हो जाएंगी इस क्रीम से इंशाल्लाह। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ, तो फिर साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। और इंशाल्लाह ताला आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं अपनी क्रीम की तरफ। हाँ जी, तो फर्स्ट पे हमें चाहिए होगा लोशन। 4 टेबल स्पून हमने लोशन के लेने हैं, जो आपके पास है, वेसलीन का है, डव का है, जो भी है उसको आपने इसमें एक बॉयल में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए, ये 2 चम्मच मैंने लोशन लिया है, उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब मैंने लेना है ऑयल। अच्छा, तो उन्होंने तो जो जोबा ऑयल बताया था, लेकिन मेरे पास ऑलिव ऑयल था तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। ये भी आप डाल सकते हैं, इसके साथ भी आप बना सकते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा 2 चम्मच ऑलिव ऑयल जी। तो थर्ड पे हमें चाहिए होगा, अब हमने ऑयल डाला था, ऑयल को हमने क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे थर्ड पे 1 चम्मच ग्रेसलीन। ठीक है, ग्रेसलीन जो आपके पास हो ना, बहुत फुल नहीं डालनी और बहुत हाफ भी नहीं डालनी, बस नॉर्मल क्वांटिटी में जो है वो आपने डालनी है। ठीक है, हाँ जी। तो लास्ट में हमें चाहिए होंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल, जो आपके पास अवेलेबल हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें जी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी क्रीम तैयार है, आप देख सकते हैं इसका कलर। ठीक है, तो ये आपके पास, आप इसको जो है वो 1 वीक 2 वीक के लिए जितना आपको चाहिए इतनी क्वांटिटी के साथ आप बना सकते हैं। इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी खाली बोतल में या डब्बे में डाल के रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। इसको मैंने अपने हैंड पे ट्राई किया, ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।